हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है जिसमें क्लास 10th और 12th के बच्चों के एग्जाम में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। जी हाँ बच्चों, अभी तक अपन जो एग्जाम देते थे उसमें अपन पूरे साल की पढ़ाई के बाद एक एग्जाम होता था मार्च अप्रैल में, कुछ बोर्ड का एग्जाम देते थे, लेकिन कोविड की सिचुएशन को देख के सीबीएसई ने इस तरीके को चेंज किया, बहुत बड़ा बदलाव किया है जिसे इस एग्जाम को स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। जी हाँ बच्चों, तो इस एग्जाम का जो अपडेट है किस तरीके से, जो मैं आज जो बताने वाला हूँ उसमें ये जो बताऊंगा आपको, इसलिए पूरा का पूरा आपका जो अपडेट है वो पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे है, उसी के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए क्या ऑफिशियल वेबसाइट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस क्या क्या चेंजिंग किया है। तो बच्चों सिलेबस में आपको क्या करना है, इस सिलेबस को भी रिड्यूस किया हुआ इस साल, जैसे लास्ट ईयर में जो रिड्यूस किया था ऐसा था, इस साल भी रिड्यूस होगा। अब यानी कि 21-22 में भी सिलेबस रिड्यूस होगा। इस रिड्यूस सिलेबस का जो अपडेट कब आएगा, तो बच्चों जुलाई के मंथ में इसका अपडेट आ जाएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। चलो अब बात करते हैं कि रिड्यूस सिलेबस बन गया, जुलाई में अपडेट आ जाएगा। अब ये एग्जाम जो लिया जाएगा उस एग्जाम को रिड्यूस सिलेबस के बेस पे लिया जाएगा, ठीक है। अब इस एग्जाम ये आपके जो पूरे साल में जो एग्जाम होने वाले वो आपके दो एग्जाम होने वाले, ये बात को क्लियर कर देता हूं। अब ये दो एग्जाम किस तरीके से होंगे, तो मैंने इसको दो टर्म में डिवाइड किया है। फर्स्ट टर्म में एग्जाम फर्स्ट आ जाएगा और सेकंड टर्म में एग्जाम सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो बच्चों जो आपका जो रिड्यूस सिलेबस उसका जो 50% सिलेबस है, जी बच्चों रिड्यूस सिलेबस का 50% पार्ट, यानी 50% जो सिलेबस है उससे फर्स्ट एग्जाम लिया जाएगा, तो उस एग्जाम को कहते हैं एग्जाम नंबर फर्स्ट, मैंने लिखा हुआ है। अब ये एग्जाम कब होगा, आपके नवंबर और दिसंबर होगा बच्चों, ये एग्जाम आपके नवंबर दिसंबर में बहुत नजदीक आने वाला आपके एग्जाम। अब इस एग्जाम को कहां पे लिया जाएगा बच्चों, ये एग्जाम आपके होगा स्कूल के अंदर होगा, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। अभी तो एग्जाम बोर्ड के सेंटर में, लेकिन ये एग्जाम आपके स्कूल के सेंटर में लिया जाएगा आपके, क्लियर है। चलो इस एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा बच्चों, इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो आपके एमसीक्यू बेस और ओएमआर शीट के बेस पे होगा, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके अंदर और आपके ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट क्या होती है, एक आपके बॉक्स शीट होती है आपके पास जिसमें चार आपके गोले होते हैं, इसमें गोले को दबाना पड़ता है, इसको गोला करना पड़ता है, इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ देखा हुआ है आपने। अब इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन उसका टाइम कितना होगा, 90 मिनट का ये एग्जाम होगा बना। अब इस एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्या है, तो इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूट इन द फाइनल मार्कशीट, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम को लेने के बाद जो इनके जो मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड होने वाला है, यानी ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब बात करें टर्म सेकंड की, जो सेकंड एग्जाम है, सेकेंड एग्जाम का जो आपके 50% सिलेबस चला गया रिड्यूस का, उसका बचा हुआ 50% इस सेकेंड एग्जाम में लिया जाएगा, यानी कि एक बात का बेनिफिट है कि आपका पूरा सिलेबस नहीं आएगा। अभी तक पहले क्या होता था कि पूरा सिलेबस आता था, क्या पूरा सिलेबस नहीं आएगा बेटा, तो क्या होगा 50% सिलेबस इसमें आएगा, इसे को कहते हैं एग्जाम नंबर सेकंड। ये एग्जाम का डेट क्या होगा, मंथ कौन सा होगा, मार्च को, मार्च अप्रैल में इसके बीच में लिया जाएगा एग्जाम, डेट क्लियर देखो बता देखो मार्च और अप्रैल के बीच में, क्लियर है। इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, इसमें लॉन्ग आंसर भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, अभी तक फिक्स नहीं है, यहाँ पे फिक्स है एमसीक्यू ऑन वन होगी, लेकिन यहाँ पे फिक्स अभी तक नहीं है। ये एग्जाम कहाँ पे लिया जाएगा बच्चों, ये एग्जाम लिया जाएगा आपके एग्जाम सेंटर में, बोर्ड के एग्जाम सेंटर में लिया जाएगा, ये स्कूल का एग्जाम आपका नहीं होगा। इस एग्जाम कितने ड्यूरेशन कितनी होगी इसकी, 2 घंटे का एग्जाम होगा, जहाँ पे 90 मिनट, यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट का होगा, क्लियर। ये बात नहीं बात होगा, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। ठीक है, अभी इसका पैटर्न फिक्स नहीं कैसा होगा आपके। फिर ये तो क्या होगा बेटा कि ये बाल जो कोविड की इस कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है सिचुएशन, तो बड़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इफ सिचुएशन इज नॉट गुड, सिचुएशन अच्छी नहीं है, पहले एग्जाम अच्छी थी, दूसरे एग्जाम में मान लीजिए कोविड की स्थिति बिगड़ गई, तो क्या होगा, बिगड़ने के बाद क्या होगा, जो एग्जाम 2 घंटे का था उसमें क्या चेंज किया बोर्ड वालों ने, जो एग्जाम 2 घंटे का था वो आपके कितने मिनट का हो जाएगा, 90 मिनट का हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा एमसीक्यू, अभी तो फिक्स नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोविड की स्थिति बिगड़ गई तो इस कंडीशन में आपके 90 मिनट का एमसीक्यू ये फिक्स होगा आपका, और इसका जो मार्क्स आएंगे वो भी फाइनल मार्क्सिट में आपके ऐड होंगे। तो बात क्लियर है, समझ में आ गई। अब बात दिमाग में क्वेश्चन बच्चों का, अगर मान लीजिए सर आपने ऐसा बताया, लेकिन मान लीजिए पहले एग्जाम में कोविड की सिचुएशन बिगड़ गई या सेकेंड एग्जाम में बिगड़ गई या दोनों में बिगड़ गई, तो आपके दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे करेंगे भी? तो उसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें पूरा सीबीएसई ने बताया कि मान लीजिए मैं इसको इस तरीके चार्ट में बता रहा हूं, उसको समझ लो, ये मान लीजिए टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, ये क्या होगा इसकी कंडीशन बता रहा हूं, सिचुएशन कैसी होगी, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा।
एनालिसिस ऑन द कोविड सिचुएशन में क्या होगा, मान के दोनों में कंडीशन में सिचुएशन अच्छी है, स्थिति बहुत बढ़िया है कि कोविड का मामला नहीं है, तो क्या होगा, एग्जाम 50% सिलेबस उसमें चला जाएगा, 50% इसमें, मामला क्लियर है, शांति से एग्जाम में शांति से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन है, मान लीजिए पहले की स्थिति में, पहली कंडीशन में फर्स्ट एग्जाम में नवंबर दिसंबर में कोविड का ग्राफ बढ़ गया, तो सर क्या होगा, सेकंड में अच्छी चल रही है, फर्स्ट में बिगड़ गया, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, मान लीजिए बिगड़ गया इसमें से चल रहा है, तो क्या होगा अपना, ये जो एग्जाम होगा वो एग्जाम स्कूल की जगह पे क्या होगा, स्कूल की प्लेस पे कहाँ पे होगा, वो घर पे होगा, एमसीक्यू बेस पे होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, घर पे होगा एग्जाम, यानी होम पे होगा, यहाँ पे लिखा होगा फ्रॉम होम, और सेकंड एग्जाम पे चल रहा है वो सही है, क्लियर है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, तो सेंटर में होगा एग्जाम। अब इन दोनों को मिला के आपको क्या करना है, इसके रिजल्ट डिसाइड होगा, क्लियर है। सेकंड कंडीशन, चलो बच्चों अगर मार्क जब फर्स्ट सही चल रहा है और सेकंड में कोविड का ग्राफ बढ़ गया, तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट के तो मार्क्स ऐड होने वाला ही है, यानी प्यून एमसीक्यू जो आपका एग्जाम है उसके अंदर पहले से लिखा हुआ कंट्रीब्यूट होंगे इसके। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेकंड एग्जाम में कंडीशन बिगड़ गई, तो क्या होगा, सेकंड एग्जाम में कंडीशन बिगड़ने के बाद उसके मार्क्स कैसे देंगे, तो पहली बात है उसके इंटरनल असाइनमेंट भी होंगे, उसके थ्रू मार्क्स दे सकते हैं, वो भी प्लस होगा, और साथ में जो अपने जो फर्स्ट एग्जाम दिए उसके वेटेज के आधार पर एक नई मार्क्सशीट बनेगी, जिससे आपको रिजल्ट डिसाइड होगा। बात को समझ लो बेटा, वेटेज के अकॉर्डिंग, यानी पीवन जो फर्स्ट एग्जाम दिया फर्स्ट टर्म का, उसके वेटेज पे असाइनमेंट इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग अपन को इसके मार्क्स से रिजल्ट बनाया जाएगा, ये बोर्ड ने बनाया है, ऑप्शन से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। दूसरी बात, सबसे खराब कंडीशन आएगी, दोनों की स्थिति खराब होगी तब क्या करें, उस कंडीशन में दोनों, ये भी मामला कोविड के खराब मामला, ये भी खराब मामला, तो बात क्लियर दी हुई है कि इंटरनल असाइनमेंट के थ्रू मार्क्स दे सकते हैं, प्रैक्टिकल के प्लस करके प्रोजेक्ट के देख सकते हैं, या फिर एक कंडीशन हो सकती है दोनों एग्जाम घर पे भी हो सकते हैं ऑनलाइन स्ट्रीम के थ्रू, मतलब सिंपली जो है एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं, यानी थर्ड कंडीशन भी अवेलेबल है। क्या हो सकता है थर्ड कंडीशन, घर पे दोनों एग्जाम हो सकते हैं, प्रोजेक्ट इंटरनल असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू इनके मार्क्स एड को एक नई मार्क्सशीट बन सकते हैं, रिजल्ट डिसाइड हो सकता है, यानी कि हर चीज का उसने इलाज बताया ऑप्शन ऑप्शन में। तो मैंने क्या आप सभी चीजें मैंने आपको बताई है, आपको अगर अच्छी लगी, आपको समझ में अच्छे ढंग से आ गया, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और जिन लोगों को अभी तक अपडेट पता नहीं सीबीएसई में 10 और 12 में जो पढ़ते बच्चे, उनका आप प्लीज इसको शेयर कर सकते हो, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ जाए। थैंक यू।